Hello everyone, I am Avinesh and I'll be teaching you surface chemistry. Basically, we'll just revise this chapter through questions. ठीक है, तो हम questions के through पूरे chapter को revise करने की कोशिश करेंगे. And more or less जो questions का level रखेंगे वो mains के level पर ही रखेंगे. जो past year questions आए हैं उन्हीं को ज़्यादातर उठाएंगे और हम उन हर question के concept को समझने की कोशिश करेंगे. साथ साथ हमारा पूरा chapter भी revise हो जाएगा. So let us start with surface chemistry. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन विच डिस्कस टूडे इज दिस. ये 2012 में आया था मीटिंग में. एंड देन इसमें क्या है कि हमें ये, मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ पहले, आप समझ लो कि हमारे पास चार ग्राफ्स दे रखे हैं. इसमें से ये बताना है कि चार ग्राफ्स 1, 2, 3, 4 दिया हुआ है और चार ऑप्शन है ABCD. हमें बस ये बताना है कि कौन सा ग्राफ किस ऑप्शन को मैच करता है करेक्टली. ठीक है, तो बोल रखा है ए ऑप्शन है, 1 इज फिजिक्स ऑप्शन एंड 2 इज केमिस्ट्री ऑप्शन. तो पहला इस इसके हिसाब से जो पहला ग्राफ है, तो फर्स्ट ग्राफ इज ऑफ फिजिक्स ऑप्शन एंड सेकंड ग्राफ इज ऑफ केमिस्ट्री ऑप्शन. द पॉइंट इज कि सबसे पहले तुम्हें ये समझना पड़ेगा फिजिक्स ऑप्शन और केमिस्ट्री ऑप्शन होता क्या है. नाउ फिजिक्स ऑप्शन और केमिस्ट्री ऑप्शन इज जस्ट द क्लासिफिकेशन ऑफ एडसॉर्प्शन. एडसॉर्प्शन के टाइप्स होते हैं. तो एडसॉर्प्शन क्या होता है ये तो पता ही होगा. एडसॉर्प्शन कुछ नहीं होता, इट इज जस्ट एन एक्युमुलेशन ऑफ एडसॉर्बेंट, सॉरी एक्युमुलेशन ऑफ एडसॉर्बेट इन द एडसॉर्बेंट सर्फेस ओवर द एडसॉर्बेंट सर्फेस. अब एडसॉर्बेंट और एडसॉर्बेट जो मैं बोल रहा हूँ वो क्या होता है, कुछ नहीं होता. लेट से एक सर्फेस है जिसमें ये सर्फेस मैंने बनाया. अब इसके ऊपर कुछ कोई पार्टिकल हैं जो सर्फेस पे इसके एडसॉर्ब होने वाले हैं, यानी एक्यूमुलेट होने वाले हैं. सर्फेस पे आके एक्यूमुलेट हो गए इसके सर्फेस पर. तो जिसके सर्फेस पे आया है इसको हम एडसॉर्बेंट बोलते हैं और जो आया है उसको हम एडसॉर्बेट बोलते हैं. ठीक है, तो इसी प्रोसेस को, इस कंप्लीट प्रोसेस को, कौन सा प्रोसेस को, तो ये प्रोसेस जिसके कारण ये जो एडसॉर्बेट है वो एडसॉर्बेंट के सरफेस पे एक्युमुलेट हो गया. इट इज जस्ट अ प्रोसेस इन विच एडसॉर्बेट एक्युमुलेट्स टू द सरफेस ऑफ एडसॉर्बेंट. दिस होल प्रोसेस इज नथिंग बट एडसॉर्प्शन. ठीक है, इस प्रोसेस को, इस कंप्लीट प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एडसॉर्प्शन. ठीक है, अच्छा, अब एडसॉर्प्शन के जो टाइप्स होते हैं वो फिजिक्स ऑप्शन होते हैं और केमिस्ट ऑप्शन होते हैं. फिजिक्स ऑप्शन और केमिस्ट ऑप्शन में क्या डिफरेंस है पहले ये समझ लो. फिजिक्स ऑप्शन में क्या होता है कि अगर मैं ऐसे डिफरेंस लिखूं तो फिजिक्स ऑप्शन इज नथिंग बट द एडसॉर्प्शन विच टेक्स प्लेस ड्यू टू फिजिकल फोर्सेस और ड्यू टू वैन डर वाल फोर्सेस. ऐसा बोलना सही रहेगा क्योंकि फिजिक्स ऑप्शन में जो एडसॉर्प्शन होती है वो सिर्फ वैन डर वाल फोर्सेस के कारण होती है. मतलब कि अगर किसी सरफेस पे कोई पार्टिकल्स आके चिपक गया तो ये क्यों चिपका होगा, कोई ना कोई तो फोर्स होगा ना जिससे चिपका होगा, तो वो फोर्स वैन डर वाल फोर्सेस के कारण होता है. और केमिस्ट्री ऑप्शन में यही फोर्स कोई केमिकल बॉन्ड होता है. ठीक है, तो जी अगर ये जो दो चीज़ें चिपकी हैं वो अगर केमिकल बॉन्ड के थ्रू चिपकी हैं तो हम उसको केमिस्ट्री ऑप्शन कहते हैं और अगर वो वैन डर वाल फोर्सेस के थ्रू चिपकी हैं तो उसको हम फिजिक्स ऑप्शन कहते हैं. तो फिजिक्स ऑप्शन इज वाया वैन डर वाल फोर्सेस. इसमें हम वैन डर वाल फोर्सेस यूज करते हैं. ठीक है, उसके बाद फिजिक्स ऑप्शन लैक स्पेसिफिसिटी. दिस इज लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी. ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि स्पेसिफिसिटी लैक करता है फिजिक्स ऑप्शन, बिकॉज वैन डर वाल फोर्सेस तो यूनिवर्सल होते हैं. दिस इज बिकॉज वैन डर वाल फोर्सेस आर यूनिवर्सल. वैन डर वाल फोर्सेस आर यूनिवर्सल. आर यूनिवर्सल का मतलब ये हो गया कि सबके में लग गया, ये वैन डर वाल फोर्सेस सब में लगता है. ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक कंपाउंड में लगता है, सब में वैन डर वाल फोर्सेस लगता है, थोड़ा बहुत लगता है बट लगता है. तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि दो चीज, मान लो कि तीन चार चीज़ें एडसॉर्ब करने के लिए आ रहे हैं और एडसॉर्बेंट में सब चिपकेगा जस्ट बिकॉज की वैन डर वाल फोर्सेस तो सब में होगा. ठीक है, इसलिए
इसको हम इसमें हम बोलते हैं लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी, कि ऐसा नहीं है कि कोई एड्जॉर्बेंट है वो किसी एक पार्टिकुलर एड्जॉर्बेट को उठा के चिपक जाए, इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे ये ब्लैक बनाया और रेड वाला भी बनाया यहाँ पे, तो ऐसा नहीं है कि ये जो एड्जॉर्बेंट है यानी कि जो सर्फेस है वो सिर्फ रेड वाले से चिपकेगा या सिर्फ ब्लैक वाले से चिपकेगा। फ्यूजर्स ऑप्शन में वो सबसे चिपकेगा, बिकॉज वेंडरवॉल फोर्स किसी से कम किसी से ज़्यादा वो अलग बात है, वेंडरवॉल फोर्सेस किसी में कम होगा किसी में ज़्यादा होगा, बट चिपकेगा सबसे। ठीक है, यही चीज़ अगर केमिकल केमिस ऑप्शन होता तो सोचो अगर ऐसा हो सकता था कि कोई एक मान लो एक कंपाउंड किसी बी कंपाउंड से ही रिएक्ट कर सकता है, ए सी से रिएक्ट नहीं करता, तो फिर अगर हम ए के सामने बी और सी दोनों रखेंगे तो वो सिर्फ बी से रिएक्ट करेगा सी से नहीं करेगा, क्योंकि वो सिर्फ बी से करता है। तो केमिस ऑप्शन जो होता है दैट इज स्पेसिफिक, दैट इज वेरी स्पेसिफिक, वो उसमें वो पर्टिकुलर कंपाउंड से ही रिएक्ट करेगा, पर्टिकुलर कंपाउंड को ही एड्सॉर्ब कराएगा, बट फ्यूजर ऑप्शन में ऐसा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज रिवर्सिबल, दिस इज रिवर्सिबल, वो तो बहुत ईजी समझ में आ रहा होगा क्योंकि ये रिवर्सिबल फिजिकल चेंज है, मोस्ट ऑफ द फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल। देन इज दिस इज एक्सोथर्मिक, दिस इज एक्सोथर्मिक, नॉट ओनली एक्सोथर्मिक, बट इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि इसमें जल्दी जो एनर्जी एक्सोथर्मिक है तो पक्के से एनर्जी रिलीज होगी, बट जो एनर्जी रिलीज होती है उसकी रेंज जो होती है वो कुछ 20 to 40 किलो जूल पर मोल ही होता है, ज़्यादा रेंज नहीं होता, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रहा है, थोड़ा सा एनर्जी निकलता है बट एक्सोथर्मिक होता है, डेट इज़ फॉर श्योर। ठीक है, ओके, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। तो केमिस्ट ऑप्शन भी लिखे जाते हैं जल्दी से, 2 मिनट में मैंने समझा तो सब कुछ दिया है, तो केमिस्ट ऑप्शन के बारे में भी लिख लेते हैं। केमिस्ट ऑप्शन में जो फोर्सेस होते हैं वो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, दीज आर केमिकल बॉन्ड्स। नेक्स्ट इज स्पेसिफिसिटी, सो दिस हैज हाई स्पेसिफिसिटी, ठीक है, तो इसमें स्पेसिफिसिटी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट इज दिस इज इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, ठीक है, इसकी जो इंथैल्पी होती है वो हाई होती है, दिस इज हाई इंथैल्पी। इसमें मैं ये नहीं लिख रहा हूँ कि इंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक है, डिपेंड करता है, क्योंकि पहले मैं लिखता हूँ रेंज क्या होता है, दिस इज 80 to 240 किलो जूल पर मोल। केमिस ऑप्शन में क्या होता है ना बेटा कि इनिशियली कुछ एनर्जी देना पड़ता है हमें, तब जाके बॉन्ड बनता है, बट एक बार जब बॉन्ड बनने लग जाए तो फिर एनर्जी रिलीज होती है। तो इसकी अगर मैं पूरी की पूरी कर्व बनाऊँ तो कुछ ऐसा होता है कि पहले एनर्जी देते हैं हम और फिर एनर्जी रिलीज होने लग जाती है, ठीक है। बट फ्यूजर ऑप्शन में ये केमिस ऑप्शन का है, फ्यूजर ऑप्शन का अगर मैं बनाऊँ तो इसमें सिर्फ एनर्जी डिक्रीज ही होता है, ठीक है। तो इसका ग्राफ केमिस ऑप्शन में जनरली जो तुम्हारे बुक्स में दिए होते हैं वो आधा ग्राफ ही देता है, वो सिर्फ यहीं तक देते हैं, इसको हटा देते हैं, तुम्हें ग्राफ ऐसा दिखता है कि केमिस ऑप्शन में ग्राफ जो होता है वो बढ़ता हुआ है, एक्चुअली बढ़ता है बाद में कम होता है, बट हमें केमिस ऑप्शन का इतना ही ग्राफ एनसीईआरटी में भी देते हैं और फिजिक्स ऑप्शन का इतना ग्राफ देते हैं, ठीक है। तो हमें इतना याद रखना है जितना देते हैं, ठीक है, वैसे मैंने तुम्हें पूरा बता दिया। तो इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन था वही है, अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब वर्सेस टेम्परेचर, ठीक है। तो अब ये जो हमने ग्राफ बनाया है ये सेम उसी का बनाया है कि अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब वर्सेस टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर बढ़ रहा होता है, इसमें अगर टेम्परेचर को तुम बढ़ाओगे तो अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब भी बढ़ेगा, इसमें जब तुम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो तो अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब जो है वो कम हो रहा है, इससे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब जो हो रहा है वो कम हो रहा है। क्यों? टेम्परेचर बढ़ रहा है तो गैस कम क्यों एब्जॉर्ब हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो गैस कम इसलिए एब्जॉर्ब हो रहा है क्योंकि फ्यूजन ऑप्शन जो था वो एक्सोथर्मिक था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होता है, तो अगर तुम उसको और गर्म करोगे, ली शैटलियर हमने पढ़ा था, अगर तुम एक्सोथर्मिक रिएक्शन को और गर्म करोगे तो उसकी यील्ड कम होती जाती है, ठीक है। बट केमिस ऑप्शन में क्या था, केमिस ऑप्शन को मैंने कहा था इंडोथर्मिक, उसको हीट दोगे तो रिएक्शन होगा, तो अगर मैं केमिस ऑप्शन में हीट टेम्परेचर बढ़ाता जा रहा हूँ तो और रिएक्शन होता जाएगा, बट ये एक लिमिट तक ही होता है, उसके बाद इसका ग्राफ भी फ्यूजन ऑप्शन के थ्रू होता है, बट हमें यही याद रखना है जो ग्राफ मैंने बनाया है, ठीक है। दिस ग्राफ इज वर्स टेम्परेचर वर्सेज अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, जगह नहीं इसलिए मैं लिख रहा हूँ, दिस इज टेम्परेचर वर्सेज अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब्ड, ठीक है।
ओके तो अब और यहाँ पे लिखा हुआ है वो सेम चीज़, तो यानी कि फिजिक्स ऑप्शन का ग्राफ कैसा होगा, कम होता हुआ आएगा और केमिस्ट्री ऑप्शन का बढ़ता हुआ होगा, यानी कि ए तो करेक्ट है, फर्स्ट इज फिजिक्स ऑप्शन, सेकंड इज केमिस्ट्री ऑप्शन, ये तो ठीक है। फर्स्ट इज फिजिक्स ऑप्शन एंड थर्ड इज केमिस्ट्री ऑप्शन, नहीं थर्ड नहीं है, थर्ड में वही है, थर्ड इज तुम देखो ध्यान से कि प्रेशर बढ़ रहा है तो अमाउंट ऑफ जो गैस एब्जॉर्ब होता है वो बढ़ रहा है, वो ऑफकोर्स फिजिक्स ऑप्शन में होता है क्योंकि हम ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं तो वो ज़्यादा ज़्यादा पास आते जाते हैं, बट एक पॉइंट के बाद वो भी आके कॉन्स्टेंट हो जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर के बाद वो भी फिर एब्जॉर्ब करना बंद कर देता है। दिस थर्ड ग्राफ जो थर्ड ऑप्शन है उसमें क्या है, सी ऑप्शन में फोर्थ इज केमिज ऑप्शन एंड टू इज केमिज ऑप्शन, तो फोर्थ इज केमिज ऑप्शन बोल रहा है, टू केमिज ऑप्शन बोल रहा है, डी ऑप्शन है फोर्थ इज केमिज ऑप्शन एंड थ्री इज केमिज ऑप्शन, थ्री तो फिजिक्स ऑप्शन है तो ये तो गलत हो गया, तो बी और डी तो गलत हो गया। अब फोर्थ ऑप्शन में क्या है, फोर्थ इज केमिज ऑप्शन एंड टू इज केमिज ऑप्शन, फोर्थ टू का तो हमें समझ में आ रहा है केमिज ऑप्शन है, टू तो समझ में आ रहा है, ये सी ऑप्शन को चेक कर रहा हूँ मैं, टू इज केमिज ऑप्शन इज करेक्ट। फोर्थ, फोर्थ में क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल फ्रॉम द सर्फेस और जो एच है डेल्टा एच वो देखो क्या दे रखा है, पॉजिटिव दे रखा है, ठीक है इनिशियली, तो डेल्टा एच तो पॉजिटिव उसी में होता है भाई, केमिज ऑप्शन में होता है, फिजिक्स ऑप्शन तो निगेटिव होता है, तो ये सही हो गया, करेक्ट आंसर इज ए एंड सी, ठीक है। तो ये हमारा हमने अभी इस क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते एक चीज देखा कि एड्सॉर्प्शन क्या होता है, ठीक है, इट इज नथिंग बट गैस पार्टिकल्स विच आर बीइंग एड्सॉर्ब्ड और एनी पार्टिकल्स एनी एड्सॉर्बेट विच आर बीइंग एड्सॉर्ब्ड एट द सर्फेस ऑफ एड्सॉर्बेंट, ठीक है, विच आर बीइंग एक्युमुलेटेड एट द सर्फेस ऑफ एड्सॉर्बेंट, उसको हम एड्सॉर्प्शन कहते हैं। देन टॉक्ड अबाउट फिजिक्स ऑप्शन, फिजिक्स ऑप्शन हमने देखा क्या होता है, फिर हमने देखा केमिस्ट्री ऑप्शन क्या होता है, उसको दोनों ग्राफ पे देख लिया, ठीक है। तो आई गेस ये क्वेश्चन आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, तो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है, विच इज नॉट करेक्ट फॉर फिजिकल एड्सॉर्प्शन, ठीक है, इसमें से क्या फिजिकल एड्सॉर्प्शन के लिए करेक्ट नहीं है, एड्सॉर्प्शन इज स्पॉन्टेनियस, ठीक है, एड्सॉर्प्शन स्पॉन्टेनियस ही होता है, फिजिकल बोथ एंथैल्पी एंड एंट्रोपी ऑफ एड्सॉर्प्शन आर नेगेटिव, ठीक है। अब पॉइंट इज कि अगर स्पॉन्टेनियस होता है एड्सॉर्प्शन तो डेल्टा जी जो होता है वो अगर लेस देन जीरो होगा, एंड वी नो दैट डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। तो अब इसमें अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है और मैं मुझे पता है कि फिजिक्स ऑप्शन में डेल्टा एच नेगेटिव होता है, ठीक है, तो ये अगर नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है, और डेल्टा एस की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा एस की वैल्यू जो होगी वो होगी नेगेटिव, और मैं क्यों बोल पा रहा हूँ ये नेगेटिव है, क्योंकि अगर कोई गैस का पार्टिकल है या लेट अस से गैस की एड्सॉर्प्शन की हम बात करें, वो अगर सॉलिड के अंदर आके बैठ जाता है तो उसकी स्पॉन्टेनिटी तो कम हो गई ना, वो कम स्पॉन्टेनियस हो गया, गैस पहले ज़्यादा रैंडम हुआ करता था, अब वो सॉलिड के अंदर घुस गया तो कम रैंडम हो जाएगा, तो डेल्टा एच जो होता है वो इंट्रॉपी तो कम होगी होगी, ठीक है, इंट्रॉपी कम होगा। अब ये जो चीज़ निगेटिव आती है तुम सोच सकते हो, ये अगर निगेटिव है और ये भी चीज़ निगेटिव हो गई तो इसको निगेटिव होना ही पड़ेगा, तभी तो ओवरऑल निगेटिव आएगा, ये अगर निगेटिव है डेल्टा एच तो माइनस के साथ ये पॉजिटिव हो गया, ये पूरी टर्म पॉजिटिव हो गई, और अगर डेल्टा एच भी पॉजिटिव हो गया तो फिर तो डेल्टा जी पॉजिटिव ही हो जाएगा, मतलब इफ डेल्टा एस इज लेस देन जीरो तो माइनस ऑफ टी डेल्टा एस जो होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा, और इफ डेल्टा एच भी ग्रेटर देन जीरो हो गया तो फिर तो डेल्टा जी जो कि डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस है ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, फिर तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा ना, दिस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, ये हो नहीं सकता, ठीक है, तो इसलिए ये पॉजिटिव नहीं हो सकता, तो डेल्टा एच क्या होता है, नेगेटिव होता है, और ये हमें पढ़ा भी अभी जस्ट कि फिजिक्स ऑप्शन में एंट्रोपी जो होती है वो सॉरी एंथैल्पी जो होती है वो नेगेटिव होती है, तो यहाँ से हमने देखा कि एंथैल्पी भी नेगेटिव होती है और एंट्रोपी भी नेगेटिव होती है, तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ए ऑप्शन भी करेक्ट है, बट इसमें पूछा नॉट करेक्ट, तो एड्सॉर्प्शन ऑन सॉलिड इज रिवर्सिबल, ठीक है, डी इज एड्सॉर्प्शन इंक्रीजेस, देखो फिजिक्स ऑप्शन तो रिवर्सिबल होता है ये मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, तो सी ऑप्शन तो सही लग रहा है, फिजिक्स ऑप्शन आर रिवर्सिबल, देखो यहाँ लिखा हुआ है फिजिक्स ऑप्शन रिवर्सिबल है ना, तो मेरा समझ में आ ही रहा होगा। अब डी ऑप्शन है एड्सॉर्प्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, नहीं, फिजिक्स ऑप्शन में इंक्रीज इन टेम्परेचर पे एड्सॉर्प्शन कम होता है, ये ग्राफ देख लो, ठीक है,
तो ये डी ऑप्शन इज इनकरेक्ट, तो ये आंसर होगा हमारा, इसका डी इज द आंसर। ठीक है, सो आई गेस ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, हमने जो भी अभी पढ़ा है बस उसी पे ये क्वेश्चन था, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं था। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, 3 grams ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल वॉज एडेड टू 50 ml ऑफ एसिटिक एसिड सोल्यूशन, 0.06 नॉर्मल इन अ फ्लास्क, आफ्टर एन आवर इट वॉज फिल्टर्ड एंड इट एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द फिल्ट्रेट वॉज फाउंड टू बी 0.042 नॉर्मल, द अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड एड्सॉर्ब्ड। ठीक है, तो यानी कि 3 ग्राम और पूछा है पर ग्राम चारकोल के, ध्यान रखना दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि 1 ग्राम कितना एड्सॉर्ब कर रहा है। तो एसिटिक एसिड को हमने चारकोल पर रखा और 50 ml ऑफ एसिटिक एसिड रखा जिसकी नॉर्मैलिटी 0.06 थी, और एसिटिक एसिड CH3COH होती है, तो एसिटिक एसिड की जो नॉर्मैलिटी होगी CH3COH, तो एसिटिक एसिड की जो नॉर्मैलिटी होगी वही उसकी मोलैलिटी होगी, ये तो समझ में आना होगा कि कैन फैक्टर वन होता है उसका। अब अगर मैं ये देखूँ कि कितने मोल्स एब्जॉर्ब हुए, तो इनिशियल मोल्स, इनिशियल जो मोल्स थे ऑफ एसिटिक एसिड वॉज 0.06 इंटू 50, दिस विल बी मिली मोल्स, तो अगर मुझे मोल्स निकालना है तो डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से। ओके, फाइनल मोल्स CH3COOH इज 0.042 इंटू 50 अपॉन 1000, राइट। ठीक है, फाइनली इतना बचा जो फिल्ट्रेट में, तो कितना कंज्यूम हो गया, मोल्स विच इज कंज्यूम्ड, तो कंज्यूम्ड मोल्स इज इक्वल टू, द कंज्यूम्ड मोल्स इज इक्वल टू ये 50 अपॉन 1000 कॉमन हो जाएगा, दिस इज 0.06 माइनस 0.042। ठीक है, तो दिस इज द मोस्ट विच इज कंज्यूम्ड। पूछा है अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड, मतलब ग्राम्स में पूछा है, तो एसिटिक एसिड का जो मोलर मास होगा, मोलर मास उसका 60 होता है, तो मास अगर मैं देखूँ, मास जो होगा एसिटिक एसिड का वो होगा 50 अपॉन 1000, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ तो 1/20 आ जाएगा, ये दिस विल बी 1/20 इंटू, इसको सब्सट्रैक्ट करो यहाँ से, दिस विल बी 0.018 इंटू 60। ठीक है, जब उसका मोलर मास है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 में ये 3 आ जाएगा, विच इज 3 इंटू 0.018 ग्राम्स। ठीक है, क्योंकि मोल्स में रखा था तो मास ग्राम्स में आया होगा। अब हमसे पूछा है कि 1 ग्राम चारकोल में, ये 3 ग्राम चारकोल में एब्जॉर्ब हुआ था, तो इन पर 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 ग्राम इन 1 ग्राम ऑफ चारकोल, अगर मैं 1 ग्राम ऑफ चारकोल में बेटा निकालूं तो हमारे पास आएगा 0.018 ग्राम्स, विच इज 18 mg, तो द आंसर शुड बी ए, बस इतना। ठीक है, सो आई गेस दिस इज ईजी, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर ये समझ में आ रहा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज दिस, स्पॉन्टेनियस एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड सरफेस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, बिकॉज वही मैंने कहा था कि डेल्टा जी जो होता है, बोला स्पॉन्टेनियस एड्सॉर्प्शन है, डेल्टा जी अगर निगेटिव हो गया तो डेल्टा एच प्लस, सॉरी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है, तो मुझे पता है कि अगर ये निगेटिव होता है और ये वाली चीज एक्सोथर्मिक बोल रखा है ना कि एक्सोथर्मिक है, तो ये वाली चीज़ तो निगेटिव होगी और ये होगा निगेटिव है। ठीक है, और मुझे पता है एड्सॉर्प्शन में ये वाली चीज़ क्या होती है, मैंने बताया था निगेटिव होती है। ठीक है, तो अब इन्होंने बोला है कि क्यों ऐसा होता है, बिकॉज डेल्टा एस जो होता है वो कम हो जाता है, तो डेल्टा एस जो एक्चुअली कम हो जाता है इसीलिए डेल्टा एच को निगेटिव होना पड़ता है, क्योंकि ओवरऑल डेल्टा जी तो हमेशा निगेटिव ही है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है, ये मैंने जस्ट पहले भी बताया था, इसलिए मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा इस क्वेश्चन पे, क्योंकि मैंने इससे पहले बताया था कि इस क्वेश्चन में क्या है कि डेल्टा जी अगर निगेटिव दिया हुआ है और मुझे पता है डेल्टा एस निगेटिव होता है, ठीक है, तो हमें समझ में आ रहा है कि डेल्टा एच को पक्के से निगेटिव होना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये निगेटिव हो गया और ये अगर पॉजिटिव हो जाता है तो डेल्टा जी कभी निगेटिव नहीं हो सकता, फिर डेल्टा जी हमेशा पॉजिटिव होगा, इसीलिए डेल्टा एस निगेटिव कैसे समझ में आ रहा है, क्योंकि गैस अगर एड्सॉर्ब हो रहा है तो एंट्रोपी कम हो रही है, बिकॉज एंट्रोपी डिक्रीजेस
एंट्रोपी कम हो रही है गैस अगर, तो बहुत कॉमन सा फंडा है कि अगर गैस सॉलिड में जाके एब्जॉर्ब हो रहा है तो एंट्रोपी कम होगी, पक्की बात है। तो वो अगर नेगेटिव हो गया डेल्ट, और यही पूछा, ये क्वेश्चन में यही था कि स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन ऑफ अ गैस ऑन सॉलिड सर्फेस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस बिकॉज, क्यों एक्सोथर्मिक होता है, वाई दिस इज निगेटिव, वाई पूछा ये है कि एक्सोथर्मिक क्यों होता है। रीजन ये है कि डेल्टा जी तो निगेटिव होता ही है क्योंकि स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन बोल दिया है, तो रीजन ये है कि क्योंकि डेल्टा एस निगेटिव हो जाता है, और अगर डेल्टा एस निगेटिव है तो इसे डेल्टा एच को निगेटिव होना ही पड़ेगा ताकि डेल्टा जी निगेटिव आ पाए, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू गेट द एब्जॉर्प्शन स्पॉन्टेनियस, एंड एज वी नो द रिएक्शन इज इन द एब्जॉर्प्शन रिएक्शन, जो भी एब्जॉर्प्शन में हो रहा है, इन दैट एब्जॉर्प्शन प्रोसेस डेल्टा एस विल ऑलवेज बी लेस देन जीरो, क्योंकि उसमें एंट्रोपी कम होगी अगर गैस सॉलिड के अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है तो, और डेल्टा जी को मुझे निगेटिव करना ही करना है तो मैं डेल्टा एच को निगेटिव ही रख सकता हूँ, पॉजिटिव नहीं रख सकता, ठीक है। ये मैंने पहले बताया था, तो आई गेस दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, 20% ऑफ द सर्फेस साइड्स ऑफ अ कैटलिस्ट इज ऑक्यूपाइड बाई नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स, द डेंसिटी ऑफ द सर्फेस साइड्स इज गिवन, ठीक है, द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ इज गिवन। अच्छा सोचो, अगर डेंसिटी गिवन है कि यानी कि इतने साइड्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर है और टोटल सर्फेस एरिया भी गिवन है, तो टोटल नंबर ऑफ साइड्स तो मिल ही जाएगा ना। सबसे पहले हम निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ साइड्स निकालें तो हमारे पास आएगा 6.023 इंटू 10 रेज टू द पावर 14 इंटू 1000, ठीक है। इतने नंबर ऑफ टोटल साइड्स हैं हमारे पास। अब बोला है कि 20% ऑफ दिस साइड्स इज ऑक्यूपाइड बाय नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स, तो साइड्स ऑक्यूपाइड बाय नाइट्रोजन, साइड्स ऑक्यूपाइड बाय नाइट्रोजन वो क्या होगा, इसका 20% यानी कि 20/100 इंटू 6.023 इंटू 10 रेज टू द पावर 14 और 3 को ऐड कर देंगे तो 17 हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द साइड्स विच आर ऑक्यूपाइड बाई नाइट्रोजन। अब बोला है कि द कैटलिस्ट इज हीटेड टू 300 केल्विन एंड नाइट्रोजन इज कम्प्लीटली डिजॉर्ब्ड, ठीक है। सबसे पहले नाइट्रोजन ने कुछ साइड को एब्जॉर्ब किया, अब उसको हमने हीट जब किया और प्रेशर को जब 0.001 atm कर दिया, तो यानी कि ऑलमोस्ट वैक्यूम क्रिएट कर रहे हैं हम, प्रेशर बहुत कम कर रहे हैं और हीट कर रहे हैं, तो गैस जो एब्जॉर्ब हुआ था वो निकलने लग जाएगा, समझ में आ रही है बात। क्योंकि अगर अगर कोई गैस एब्जॉर्ब हुआ है अब उसको तुम हीट कर रहे हो तो एब्जॉर्प्शन कम होता है, हम देखा था फिजिकल एब्जॉर्प्शन में यही होता था कि हीट करने से एब्जॉर्प्शन कम होता है और प्रेशर भी हम कम करते गए तो और गैस निकलता गया बाहर, तो निकलता गया। और बोला इन्होंने कि कम्प्लीटली डिजॉल्व, मतलब पूरा निकल गया, पूरा इंटू आ गया है बाहर, जो भी एब्जॉर्ब था ना वो आ गया बाहर। अब पहले देखते हैं तो कितना इंटू था, ठीक है। तो मोल्स ऑफ एन टू अगर मैं निकालूँ, मोल्स ऑफ एन टू अगर मैं निकालूँ तो क्या होगा, पी वी इज इक्वल टू यूज़ करेंगे तो एन की वैल्यू आएगी पी वी अपॉन आर टी, ठीक है। अगर यहाँ से अगर निकालो तो प्रेशर इज 0.001, ठीक है, वॉल्यूम इज 2.46 सेंटीमीटर क्यूब इज ml, लीटर में कन्वर्ट करते हैं 2.46 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 अपॉन r इज 0.0821 इंटू टेम्परेचर इज 300, ठीक है। तो इस चीज़ को हम कैलकुलेट करेंगे, जब तो तुम कैलकुलेट करोगे तो n की जो वैल्यू है वो आई 10 रेज टू द पावर माइनस 7, 10 रेज टू द पावर माइनस 7 यहाँ सॉल्व जब करोगे, ठीक है। तो मोल्स आ गया N2 का। अब तुम सोचो कि मोल्स N2 का इतना है, ठीक है बेटा। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 कितना होगा, मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 अगर वो निकालो तो क्या निकालोगे, 10 रेज टू द पावर माइनस 7 इंटू एवोगाड्रो नंबर विच इज 6.023 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 ये आएगा, जिसकी वैल्यू आएगी 6.023 इंटू 10 रेज टू द पावर 16, ठीक है। अच्छा ये तो 16 आ गया। अब इन्होंने बोला है कि 10 रेज टू माइनस 6 इतने तो मॉलिक्यूल्स N2 के हैं और जो साइट्स ऑक्यूपाइड था नाइट्रोजन के द्वारा वो इतना था,
ठीक है, दिस इज 1/5 इनटू दिस दिस नंबर। ठीक है, तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि क्वेश्चन क्या पूछा है, कैलकुलेट नंबर ऑफ साइट्स ऑक्यूपाइड बाय नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, दिस दिस एक्चुअली दिस क्वेश्चन इज ऑक्यूपाइड बाय वन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कितने साइट ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, ये हमसे पूछा गया कि एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल कितना साइट ऑक्यूपाई करता है। तो अभी हमने ये तो निकाल लिया कि कितना कितना मोल्स नाइट्रोजन का है और कितना साइट वो ऑक्यूपाई कर रहा, तो ये भी हमने निकाल लिया। तो हमें सिर्फ डिवाइड ही तो करना है कि जितना मॉलिक्यूल है नाइट्रोजन का वो हमें पता है, कितना साइट ऑक्यूपाई कर रहा है हमें वो पता है, तो एक कितना ऑक्यूपाई कर रहा होगा वो हमें निकालना होगा। यानी इतना मॉलिक्यूल मिलके, जितने मॉलिक्यूल भी है वो पूरा मिलके इतना साइट ऑक्यूपाई कर रहा है, तो एक कितना करेगा। तो पर मॉलिक्यूल अगर मैं देखूं तो आंसर होगा हमारा 6.023 × 10⁻¹⁷ डिवाइडेड बाय दिस नंबर 6.023 × 10⁻¹⁶। तो ये 10 आ जाएगा यहाँ पे, 5 से ये 2 हो जाएगा और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, विच इज 2। यानी कि एक N2 का मॉलिक्यूल दो साइट को ऑक्यूपाई करता था, तभी ये कहानी हो रहा था। क्योंकि तो साइट जो ऑक्यूपाई कर रहा है वो इतना आ रहा है और N2 इतना आ रहा है। अगर एक एक को करता तो दोनों सेम आना चाहिए था, तो दोनों सेम नहीं आ रहा है, एक्चुअली डबल आ रहा है। समझ में इसका मतलब हो रहा है कि एक मॉलिक्यूल जो है वो दो साइट को ऑक्यूपाई कर रहा था। ठीक है, तो दिस इज अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो देन वी विल डू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंस इन अ कोलाइडल स्टेट, इसमें से कौन सा रिएक्शन होगा जिससे हमें कोलाइडल सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा स्क्रीन बड़ा कर दी आपको लिख लिया। तो अब इसमें क्या है कि ये ऑब्वियसली ये रिएक्शन NCERT में भी गिवन होते हैं सब, बट हमें याद ही रखना है कि इसमें से कौन सा रिएक्शन है। तो सल्फर जो होता है उसका कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है, ये हमें कैसे समझ में आएगा। ये एग्जैक्टली ये रिएक्शन NCERT में नहीं है, बट ऐसा सिमिलर रिएक्शन NCERT में है। ये सब देखो, दीज आर द केमिकल मेथड्स विच वी यूज टू प्रिपेयर कोलाइडल सॉल्यूशन। तो ये चीज़ मैंने इसलिए NCERT से कट करके रखा हूँ, तो मुझे ये चीज़ तुम्हें याद होना चाहिए सारे रिएक्शन। इसमें देखो सल्फर जो है ना वो सोल बनाता है, तो वही एग्जाम्पल यहाँ पे था, सेम नहीं था पर सल्फर यहाँ भी बन रहा था, इसलिए हमने समझ लिया कि हाँ ये रिएक्शन सोल बना रहा है। तो ऐसे याद रखना तो बड़ा मुश्किल है, बट हाँ इन जो रिएक्शन NCERT में गिवन उसको तुम याद करके रखते हो। तो ये जो ऊपर की जो तीन रिएक्शन है, दिस रिएक्शन आर द केमिकल मेथड्स बाई विच वी प्रोड्यूस कोलाइडल सॉल्यूशन। उसके बाद जो नेक्स्ट है जो गर्डिकार्स मेथड है, इसमें कुछ नहीं करते, ये मैं अभी समझा देता हूँ। इसमें कुछ नहीं करते, इसमें दो इलेक्ट्रोड लेते हैं, बेसिकली दो मेटल के इलेक्ट्रोड लिए, ये दोनों मेटल हैं, ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं यहाँ पे ये मेटल्स हैं। अब इन मेटल्स को हमने करंट से कनेक्ट करके पानी में डाल के पानी में डाल दिया। ठीक है, जैसे पानी में डालेंगे तो काफ़ी ज़्यादा, और इनको टच कराओगे तो इससे काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, और जैसे हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है, लिखा हुआ भी है कि इलेक्ट्रिक आर्क इज स्टक बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द मेटल इमर्स इन द डिस्पर्सिव मीडियम। तो जैसे हीट प्रोड्यूस होती है वैसे ही मेटल कुछ टुकड़े भी वहाँ से इवेपोरेट करते हैं, सडन इवेपोरेट करते हैं, तुरंत उड़ के हवा में जाते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ इंटेंस हीट प्रोड्यूस वेपराइजेस द मेटल, तो ये वेपराइज कर देता है मेटल को। जैसे मेटल वेपराइज होता है, और यहाँ पे बगल में देखो आइस बाथ है, ये आइस बाथ रखा हुआ है, कहीं ठंडा मौसम वहाँ पे जो अंदर माहौल बना रखा है ठंडा है बिल्कुल। तो अब अगर मेटल वेपराइज हुआ, जैसे वेपराइज हुआ हीट के कारण, और वहाँ ठंडा है अंदर, तुरंत वो कंडेंस भी हो जाएगा, और जैसे वो कंडेंस होगा तो वो कोलाइडल साइज में जाके लाई करता है, तो वहाँ से हम कोलाइडल सॉल्यूशन बना देते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन में आता होगा एक स्पेसिफिक रेंज होता है जिसका, जिसको हम कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, जो सॉलिड पार्टिकल्स का एक रेंज होता है उसको हम कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं, तो कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाता है। अब अगर मैं ये देखूँ कि और कोई तरीका, एक और तरीका है जो पेप्टाइजेशन है, मतलब ये तो बर्डिक्सार्क मेथड बहुत फेमस मेथड है, इसलिए मैंने ये बता दिया। नेक्स्ट जो तरीका है वो है पेप्टाइजेशन, इसके बाद पेप्टाइजेशन। तो पेप्टाइजेशन में क्या होता है कि इसमें जो जनरली जो सोल बनता है ना वो, या सोल मतलब क्लोराइड सॉल्यूशन जो बनता है वो कैसे बनता है कि जो पार्टिकल है, मतलब जो सॉलिड के पार्टिकल है वो खूब सारे सॉलिड के पार्टिकल से मिला दो तो वो भारी हो जाएगा, और भारी हो जाएगा तो नीचे जाके बैठ जाएगा। ठीक है, जनरल ऐसे ही होना चाहिए, बट क्लोराइड सॉल्यूशन क्या होता है कि जो पार्टिकल होते हैं वो मिलते नहीं है, क्योंकि इसके चारों तरफ चार्ज पार्टिकल्स आ जाते हैं। अब इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को, सॉलिड के पार्टिकल्स, उनके चारों तरफ अगर चार्ज पार्टिकल्स आ गए तो चार्ज पार्टिकल्स के कारण, अब मान लो कि एक पार्टिकल है इसके चारों तरफ चार्ज है, दूसरी पार्ट दूसरा पार्टिकल ये भी चार्ज है,
तो अब ये दो जो दो पार्टिकल हैं, इसको मैं किसी और तरह से बनाता हूँ, ये जो दो पार्टिकल हैं बीच में, अब ये तो मिलेंगे नहीं, अब चिपकेंगे नहीं, क्यों नहीं चिपकेंगे, पॉजिटिव चार्ज रिपल करता होगा दूसरे, चिपकेंगे नहीं, तो इसीलिए क्योंकि मिल नहीं पाते तो कोलाइडर सोल्यूशन की तरह बनते हैं, बन के रह जाते हैं सोल्यूशन में, वो मिल के प्रेसिपिटेट भी नहीं हो पाते और डिजोल्व तो वो कभी हो ही नहीं सकते थे, तो वो प्रेसिपिटेट बना नहीं पाते तो कोलाइडर सोल्यूशन के फॉर्म में रहते हैं। अब क्या है कि अगर कोई प्रेसिपिटेट है, उल्टा सोचो कि अगर कोई प्रेसिपिटेट है, यहाँ पे एक पत्थर बैठा हुआ है, ठीक है, अगर इस पत्थर को पानी में, पत्थर है कोई पत्थर की एजीसीएल का नीचे टुकड़ा बैठ गया है या फिर उसको प्रेसिपिट बन गया है, उसको तुम शेक करोगे बहुत तेज शेक करोगे तो पार्टिकल्स टुकड़े टुकड़े टूट टूट के ऊपर बिखर जाएंगे, सोल्यूशन तो बिल्कुल आ जाएंगे, बट वो फिर विथ टाइम ग्रेविटी के कारण फिर से नीचे आ जाएंगे, फिर से दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, चिपक के आके फिर से एक साथ बैठ जाएंगे, ऐसे ही होगा, फिर शेक कर दो फिर ऊपर आ जाएंगे, फिर छोड़ दो फिर नीचे आके सेटल कर जाएंगे नीचे, प्रेसिपिटेट है उसका ही काम ही है। अब अगर क्या करो, इसमें कुछ चार्ज पार्टिकल डालो, कुछ चार्ज पार्टिकल डालो ऊपर से और अगर इसको शेक कर दो, अगर चार्ज पार्टिकल डाल के शेक किया तो पार्टिकल तो फिर से टूट के ऊपर जाएंगे, अब जैसे पार्टिकल ऊपर गए वो चार्ज पार्टिकल से सराउंड हो गए, अब ये बन गया, हर पार्टिकल ऊपर जाके चार्ज पार्टिकल सराउंड हो गया, अब जैसे पांच चार पार्टिकल सराउंड हो गया फिर वो एक साथ मिल नहीं पाएंगे, एक साथ नहीं मिल पाएंगे तो वो सोल्यूशन में हो गए, और सोल्यूशन में हो गए तो कोलाइडर सोल्यूशन बन गया, तो ये एक तरीका है कोलाइडर सोल्यूशन बनाने का, इसको कहते हैं पेप्टाइजेशन। ठीक है, पेप्टाइजेशन कुछ नहीं करते कि जो प्रेसिपिटेट होता है उसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, लिखा हुआ है कि द इलेक्ट्रोलाइट इज यूज फॉर दिस पर्पज स्मॉल इलेक्ट्रोलाइट, तो अभी इलेक्ट्रोलाइट हमने डाला और फिर उसको शेक किया जोर से, फिर वो टुकड़े टुकड़े छोटे छोटे टुकड़े में टूट गए, उसको इलेक्ट्रोलाइट ने घेर लिया, फिर वो मिल नहीं पाए तो सोल्यूशन में रह गए, तो वो पेप्टाइजेशन हो गया। ठीक है, दिस इज व्हाट पेप्टाइजेशन इज। तो ये मैंने अभी तुम्हें इस क्वेश्चन के थ्रू रिवाइज कराया कि किस ये सारे तरीके हैं जिससे तुम कोलाइडल सोल्यूशन बनाते हो, दिस इज प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन। ठीक है, तो इस इन तरीकों से हम प्रिपेयर करेंगे कोलाइडल सोल्यूशन, प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन, प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन। ठीक है, ओके, तो अब अगर ये समझ में आ रहा होगा तो हमें ये क्वेश्चन समझ में आ ही रहा था, ये इसी क्वेश्चन के थ्रू हमने सब कुछ समझाया, प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन कैसे बनेगा। ठीक है, ओके, सो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये, तो जैसे सर नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें कि बोल रखा है कि द कोगुलेशन पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स हैविंग Na प्लस Al प्लस सी Ba प्लस टू फॉर आर्सेनिक सल्फाइड सॉल इंक्रीजेस इन ऑर्डर। पहली बात तो ये आर्सेनिक सल्फाइड जो सॉल होता है ये एस और सल्फर का होता है, आर्सेनिक और सल्फर का। ठीक है, तो ध्यान रखना कि ये जो सॉल होता है दिस इज नेगेटिव सॉल। अब पॉजिटिव और नेगेटिव सोल में बता नहीं चाह रहा था क्योंकि अभी हमने देखा नहीं है, वैसे तुमने पढ़ा तो होगा ही पॉजिटिव और नेगेटिव सोल क्या होता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव सोल बेसिकली अभी अभी एक डिफरेंस समझ लो, हम आगे देख लेंगे। तो नेगेटिव सोल ये होता है जिसमें जो सेलेक्टिवली नेगेटिव चार्ज से घिरा रहता है, और पॉजिटिव सोल होता है वो एक्चुअली सेलेक्टिवली पॉजिटिव चार्ज से घिरा होता है। अब क्या होता है कि जैसे मैंने कहा था तुम्हें अभी जस्ट कि कोई कोई पार्टिकल है, मैंने पिछले में एग्जाम्पल बनाया था यहाँ पे, इसको पॉजिटिव से घेर दिया था, एक्चुअली दिस वॉज पॉजिटिव सोल, अगर पॉजिटिव से घिरा हुआ होगा तो, क्योंकि पार्टिकल अगर वो नेगेटिव चार्ज से घिर गया, ठीक है, डब्बे के अंदर, तो इसको हम नेगेटिव सोल बोलेंगे। ठीक है, अब पॉइंट ये है ना बेटा कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, मैंने भी कहा था कि वो एक्यूमुलेट होके प्रेसिपिटेट हो जाता है, बट अगर एक्यूमुलेट होके वो प्रेसिपिटेट नहीं हो पाए तो क्या रीज़न हो सकता है? तो एक रीज़न मैंने तुम्हें बताया कि उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स टुकड़े में तोड़ दो और फिर उसको चार्ज से घेर दो तो फिर वो चिपकते नहीं आगे। तो अब क्या होता है कि अगर कोई कोलाइडल पार्टिकल है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, पिछली बार हमने कोलाइडल पार्टिकल बनाया था, अब अगर कोई ऑलरेडी बना हुआ है, अब तुमको उस कोलाइडल पार्टिकल को खत्म करना है, इसको हटाना है, जिस तरीके से पिछली बार कोलाइडल पार्टिकल बनाने के लिए तुमने चार्जेस लाए थे उसी तरीके से अब इसको कोलाइडल पार्टिकल से खत्म करने के लिए चार्जेस को हटा दो, तो ये करेंगे। तो कोगुलेशन क्या होता है कि जब इन चार्जेस को तुम हटा दोगे और ये छोटे छोटे पार्टिकल जो मिलके एक साथ कोगुलेट करके नीचे आके बैठ जाएंगे, उसको हम कोगुलेशन कहते हैं। तो इसमें पूछा है कि कोगुलेशन पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक दिस 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 फॉर आर्सेनिक सल्फाइड सॉल्स। अब अगर हम कोई पॉजिटिव चार्ज इसमें डाल रहे हैं तो ऑफ कोर्स नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट करेगा और दोनों मिल जाएंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो फिर ये सोल है, ये जो पार्टिकल है ये अलग हो जाएगा और फिर ये कोगुलेट कर जाएगा दूसरे पार्टिकल से मिलके, यहाँ एक और पार्टिकल होगा लेट्स से वो भी माइनस से घिरा हुआ होगा,
अब हमने कुछ पॉजिटिव डाल दिया तो कुछ पक जाएगा कि सब निगेटिव खत्म हो जाएगा. तो पॉइंट इसकी तुम्हें निगेटिव को खत्म करना है. तो कोगुलेटिंग पावर एन ए प्लस की या ए एल की या बी ए की, ये देखें कि कौन कितना जल्दी निगेटिव खत्म कर पाता है. तो पॉइंट इसकी जिसपे ज्यादा चार्ज होगा वो जल्दी निगेटिव खत्म करेगा. निगेटिव खत्म करने की बात आ रही है तो यानी कि ए एल प्लस थ्री वो सबसे इजिली खत्म करेगा, उसके पास प्लस थ्री चार्ज है. तो सबसे ज्यादा जो कोगुलेटिंग पावर होगा वो ए एल का होगा, उसके बाद होगा बी ए का, उसके बाद होगा एनए का. तो जो सेवन का आंसर होगा डेट वुड बी बी. ठीक है, अब कोगुलेटिंग पावर तो ये कोगुलेटिंग पावर समझ में आ गया. एक होता है कोगुलेटिंग वैल्यू, एक होता है कोगुलेटिंग वैल्यू. ये एक्चुअली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कोगुलेटिंग पावर के. कैसे समझ में आ रहा है मुझे? कोगुलेटिंग वैल्यू क्या होता है, कितना डाले. तो एयर प्लस सी सबसे कम डालेगा ना इसमें. अगर डालने की बात आई पॉजिटिव चार्ज डाल रहे हैं तो ये सबसे कम डलेगा क्योंकि प्लस थ्री चार्ज है. तो कोगुलेटिंग वैल्यू सबसे कम होता है, जितना डलता है उसको कोगुलेटिंग वैल्यू कहते हैं. इस कोगुलेट कराने के लिए एल जितना डल रहा है उसको हम कोगुलेटिंग वैल्यू कहते हैं. तो एल सबसे कम डलेगा इसलिए कोगुलेटिंग वैल्यू सबसे कम होगी. इसलिए कोगुलेटिंग वैल्यू और कोगुलेटिंग पावर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, हमेशा ध्यान रखना. ठीक है, ओके. तो अब अगर समझ में आ रहा है कोगुलेट कैसे कराते हैं तो मैं एक बार ये देख लेता हूँ कि हम कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम कोगुलेट करा सकते हैं. ठीक है, एक बार हम वो भी पढ़ लें. कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने का तरीका देख लिया था, कोगुलेट कराने का तरीका भी देख लेते हैं. तो ये पांच तरीके हैं जो तुम्हें पढ़ना है. ठीक है, जिससे कि हम लायोफोबिक सोल्स को, लायोफोबिक सोल्स वो होते हैं जो फोबिक होते हैं बेसिकली, जो विच डू नॉट अट्रैक्ट टूवर्ड्स द सॉल्वेंट्स. तो द कोगुलेटिंग द कोगुलेशन ऑफ द लायोफोबिक सोल्स कैन बी कैरिड आउट द फॉलोइंग वेज. ये पांच तरीके हैं, इसमें एक करके मैं बात कर लेता हूँ. किस दिख रहा होगा, ये फर्स्ट इज बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस. इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि हमने ना इलेक्ट्रोफोरेसिस को हम देखें तो हम क्या करते हैं कि चार्ज पार्टिकल्स क्रिएट करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डाल दिया. अब अगर कोई सोल है यहाँ पॉजिटिव चार्ज से घिरा हुआ है तो अब ये क्या इलेक्ट्रॉन्स डाल दिया हमने, तो ये क्या होगा पॉजिटिव चार्ज जो है ये तुम्हें दिख नहीं रहा होगा शायद, यहाँ बना दोगे तो ये पॉजिटिव है, इसको हमने नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल्स जोड़ दिया. तो ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव टर्मिनल को अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा तो निगेटिव जाके मिल जाएगा, तो ये पॉजिटिव खत्म हो जाएगा, तो फिर ये जुड़ जाएगा, फिर ये कोगुलेट कर जाएगा. तो ये होगा इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम इलेक्ट्रोड्स अपोजिटली लिखा हुआ है कि टू अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स लाते हैं, वो डिस्चार्ज कर देते हैं, फिर कोगुलेट करा के मिला देते हैं. दिस इज नथिंग बट इलेक्ट्रोफोरेसिस. फिर बाय मिक्सिंग टू अपोजिटली चार्ज सोल्स. अब जैसे ऐसे अगर तुम्हें कोगुलेट कराना है तो तुम कैसे करो, एक पॉजिटिव सोल ले लो और एक निगेटिव सोल ले लो और दोनों को जाके एक में डाल दो, दोनों मिल जाएंगे और पॉजिटिव और निगेटिव दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा. हमारा ये जो पार्टिकल है अंदर वो दोनों, फिर कुछ नहीं बचेगा, फिर उसे पहुंच जाएंगे, फिर वो कॉम्प्लीट कर जाएंगे. सिंपल से आ रही है. उसके बाद बाय बॉइलिंग, बॉइलिंग तो सिंपल है, बॉइलिंग करते हैं चार्ज की वो कम हो जाती है, चार्ज धीरे धीरे कम होता जाता है बिकॉज ऑफ एक्सट्रीमली हाई काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल्स गेन कर लेता है. तो ये सिंपल सा ही है, बड़े समझ में आ जाएगा. नेक्स्ट इज बाई परसिस्टेंट डायलिसिस. डायलिसिस क्या होता है ये हम अभी अगले एक एग्जाम्पल आएगा इसमें डायलिसिस देखेंगे, तो हम वहाँ पे देख लेंगे डायलिसिस को क्या होता है. तो ये इस चीज़ को हम अभी थोड़ी देर में करेंगे. ठीक है, अच्छा. अब बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, वही चीज़ है कि इलेक्ट्रोलाइट्स को हमने डाला, अब ऐसा इलेक्ट्रोलाइट डाल दो जो इस चार्ज को ख़त्म कर दे, तो फिर वहाँ से भी ख़त्म हो जाएगा. ठीक, सेम ही कहानी है सब कुछ. ओके, तो दिस ये जो और ये जो पांच तरीके तुम्हें याद रखना है कैसे कैसे तुम कॉगुलेशन बनाओगे. इस पांच में मैंने डायलिसिस अभी नहीं किया है, परसिस्टेंट डायलिसिस, इसमें मैं दोबारा आऊँगा, टेंशन मत लो. ठीक है, तो ये तरीके तुम्हें याद रखने हैं तब जाके तुम्हें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉगुलेट कैसे कराते हैं. ये दो चीज़ जो मैंने लिखवाया, जो अभी तुम्हें दिखाया है कि कॉगुलेट कैसे करते हैं और कोलाइड कैसे बनाते हैं, दोनों उल्टी चीज़ें हैं. एक में कोलाइड बना रहे हैं और एक में कोलाइड को ख़त्म करके कॉगुलेट करवा रहे हैं. ठीक है, ये दोनों के तरीके याद रखना है. ठीक है, ओके. तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस. सो दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कि इन्होंने बताया है कि अ लिक्विड एरोसोल इज अ कोलाइडल सिस्टम ऑफ. तो लिक्विड एरोसोल, एरोसोल बोल दिया तो मतलब पक्की बात है कि गैस होगा, जो जो डिस्पर्शन मीडियम होगा वो गैस होगा. तो और लिक्विड बोल दिया तो लिक्विड डिस्पर्स्ड फेज होगा. तो दिस आंसर शुड बी अ लिक्विड डिस्पर्स्ड इन गैस. तो एट का जो आंसर होना चाहिए वो बी होना चाहिए. तो इसमें अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो मैं
एक चीज़ समझा सकता हूँ कि ये चीज़ जो एरोसोल होता है, ये हमने स्टार्टिंग में एनसीईआरटी में तुम्हें देखा लिखा हुआ था कि सॉलिड सॉलिड का कौन सा सॉल्यूशन बनता है, लिक्विड लिक्विड का कौन सा बनता है, सॉलिड लिक्विड कौन सा बनता है। ये तो मैं एक बार लिखवा देता हूँ, सेम ही चीज़ लिखवा जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि सॉलिड, ऐसे लिखवाता हूँ कि अगर लेट अस से दिस फर्स्ट फेज dispersed phase, यहाँ लिखता हूँ dispersion medium, यहाँ लिखता हूँ मैं type of solid, और यहाँ पे मैं एक example लिखूँगा, ज़्यादा जगह नहीं है तो मैं एक example लिखूँगा। okay, तो इसमें dispersed phase से solid का पहले solid के साथ, फिर सॉलिड का लिक्विड के साथ, फिर सॉलिड का लेट अस से गैस के साथ। तो सॉलिड का अगर मैं सॉलिड के साथ देखूं तो वो उसको कहते हैं सॉलिड सोल, तो एक्स्ट्रा नाम नहीं है, जेम स्टोन इज द एग्जांपल। सॉलिड का अगर मैं लिक्विड के साथ देखूं तो उसको हम सोल कहते हैं, सिंपल जो सिंपल कोलाइडर सॉल्यूशन होता है। एग्जाम्पल इज सेल फ्लूइड्स, तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे इसके। सॉलिड का अगर मैं गैस के साथ देखूं तो उसको हम कहते हैं एरोसोल, बट इसको हम सॉलिड एरोसोल कहते हैं। अगर लिक्विड के साथ गैस हो तो उसको हम लिक्विड एरोसोल कहते हैं, वही इस क्वेश्चन में है, लिक्विड एरोसोल। इसका एग्जांपल स्मोक। नेक्स्ट हम आते हैं लिक्विड पे, कि अगर लिक्विड होगा डिस्पर्स्ड फेज और सॉलिड हो गया डिस्पर्शन मीडियम, तो हम उसको बोलेंगे जेल। एग्जाम्पल इज सम चीज़, बटर। नेक्स्ट इज लिक्विड, इन लिक्विड। तो ये तो दूध का एग्जाम्पल हो गया, इमल्शन, दिस इज मिल्क, सिंपल। नेक्स्ट केस हम लेते हैं लिक्विड इन गैस, अगेन गैस आ गया डिस्पर्शन मीडियम, तो मतलब ये एरोसोल ही है, बट दिस एरोसोल इज लिक्विड एरोसोल, एंड दिस एरोसोल वॉज सॉलिड एरोसोल। लिक्विड एरोसोल का एग्जाम्पल फॉग। देन लेट अस से वी हैव गैस इन लिक्विड, तो उसको तो फोम कहते हैं, एग्जाम्पल इज फ्रॉथ। ठीक है, तो ये टेबल जो है ये हमें ढंग से याद रखना है बेटा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स कई बार आ चुके हैं, डायरेक्ट एग्जाम्पल पूछ देते हैं, ठीक है, तो प्लीज इसको ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट इज दिस, द डिस्पर्शन फेज इन कोलाइडल आयरन थ्री हाइड्रोक्साइड एंड कोलाइडल गोल्ड इज पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो मतलब Fe OH होल थ्राइस जो होता है, ये हमें पता भी है कि दिस इज एक्चुअली Fe OH होल थ्री इज अ पॉजिटिव सोल, एंड गोल्ड जितने मेटल होते हैं वो एक्चुअली होता है नेगेटिव सोल। ठीक है, तो अब इसमें हमसे क्या पूछा गया है, वो दे ही दिया है इसमें पॉजिटिव नेगेटिव। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्यूशन कोगुलेट्स गोल्ड सॉल्यूशन रेडिली देन आयरन। तो मैग्नीशियम क्लोराइड में आया है Mg+2 और Cl-, ये दो आयरन सा है, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड में। अब तुम ये बताओ कि अगर निगेटिव सोल को तुम्हें क्या कहते हैं स्टेबलाइज कराना है, कोगुलेट कराना है निगेटिव सोल को, तो ये पॉजिटिव कराएगा, और अगर पॉजिटिव सोल को तुम्हें कोगुलेट कराना है तो निगेटिव वाली चीज़ कराएगा। ये तो हमने कहा था कि ये पॉजिटिव चार्ज से घिरा हुआ होगा, पक्की बात है, और ये निगेटिव चार्ज से घिरा हुआ होगा, पक्की बात है, तभी उसका नाम आया है पॉजिटिव और निगेटिव सोल। तो इस निगेटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए जो AU के ऊपर है उसको पॉजिटिव को भेजो, तो AU कोगुलेट कर जाएगा, और अगर FeOH3 के चारों तरफ जो पॉजिटिव चार्ज है उसको ख़त्म करना है तो क्लोरीन को भेजो, फिर से वो कोगुलेट कर जाएगा। ठीक है, तो अब तुम्हें पता चल गया दोनों कोगुलेट कर सकते हैं, बट इसमें पूछा है किसका फास्टर रेट होगा, तो Mg+2 ज़्यादा कोगुलेट करा पाएगा, हाइयर चार्ज, तो अभी दिखा था थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल में, तो यानी कि AU जो होगा वो ज़्यादा रेडिली कोगुलेट करेगा। तो मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्यूशन कोगुलेट्स गोल्ड सॉल रेडिली, बिल्कुल सही है, तो A तो सही है, बट नॉट करेक्ट पूछा है, A ऑप्शन इज करेक्ट, एक स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट, सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन कॉजेज कोगुलेशन ऑफ बोथ। ठीक है, Na+ है
और SO4 टू माइनस है, ये दोनों कोगुलेट करेगा, बिल्कुल सही, वो भी सही बात है, बट अगेन इनकरेक्ट पूछा है। सी ऑप्शन, मिक्सिंग ऑफ टू सोल्स हैज नो इफेक्ट, ये गलत बात है। पॉजिटिव सोल और निगेटिव सोल को जब हम मिक्स करते हैं, तो अभी हमने पढ़ा था कि कोगुलेशन कराने के एक तरीका में, एक तरीके में ये भी था, ये ध्यान हो किसी को, तो जब हम ये पूछा था बाय मिक्सिंग ऑफ टू अपोजिटली चार्ज, सेकेंड पॉइंट देखो, तो उससे क्या होता है कि सोल जो होता है वो खत्म हो जाता है, कोगुलेट कर जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या बोला, बाई मिक्सिंग हैज नो इफेक्ट, गलत बात है, इफेक्ट तो होगा, तो आंसर विल बी सी, डी ऑप्शन देख लेते हैं। कोगुलेशन ऑफ बोथ सोल कैन ब्राउट अबाउट बाई इलेक्ट्रोफोरेसिस, हाँ ठीक है, कोगुलेशन इलेक्ट्रोफोरेसिस से तो कर ही सकते हैं, ये तो हमने तरीका ही पढ़ा था अभी, तो नाइन्थ का आंसर इज सी, करेक्ट, ठीक है। तो आई गेस ये चीज़ समझ में आ रहा होगा, तो अगर समझ में आ रहा है सो देन लेट अस प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि गोल्ड नंबर ऑफ प्रोडक्टिव कोलाइड्स ए बी सी डी आर 0.5, 0.01, 0.1, 0.005 रिस्पेक्टिवली, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर प्रोटेक्टिव पावर इज, पहली चीज़ की गोल्ड नंबर एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, और दूसरी चीज़ की इसका क्वेश्चन आ चुका है AIEEE में, यानी मेंस में आया था 2009 में, उसके बाद भी आया था। तो गोल्ड नंबर पहले हम देखते हैं होता क्या है, जिसने नहीं देखा है तो गोल्ड नंबर हम याद करें एक बार, मैं तो भूल जाता हूँ, तुम्हें याद होना चाहिए, गोल्ड नंबर जो होता है वो होगा, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ लायोफिलिक कोलोइड टू बी पुट इन मिलीग्राम, ध्यान रखना, टू बी पुट मिलीग्राम, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द कोगुलेशन ऑफ 10 ml of gold sol by 1 ml of 10% NaCl solution। पहली चीज, इसमें जो न्यूमेरिकल डेटा है बस है वो, मतलब कहाँ से आया कैसे है भाई ये सब नहीं, बस है वो तुम्हें एज इट इज याद रखना है। मैं समझा सकता हूँ कि मतलब क्या है इसका, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ लायोफिलिक कोलाइड टू बी पुट इन मिलीग्राम्स इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द कोगुलेशन ऑफ 10 ml ऑफ गोल्ड सॉल बाई 1 ml ऑफ NaCl सॉल्यूशन। अब NaCl अगर है, याद आ रहा है कि गोल्ड सॉल जो था वो निगेटिव सॉल हुआ करता था, तो गोल्ड के चारों तरफ जो होगा निगेटिव ही निगेटिव चार्ज होगा, तभी ये कोलाइड सॉल्यूशन में। अब इसमें अगर तुमने Na+Cl- डाल दिया, तो अब ये Na+ वाला चीज इसके पास जाएगा, इस नेगेटिव चार्ज को धीरे धीरे खत्म करेगा, तो AU जो होगा वो कोगुलेट कर जाएगा। अब हमें बोला गया है कि कितना अमाउंट ऑफ लायोफिलिक कोलाइड डालूं कि कोगुलेट ना करे, ठीक है, यानी कि Na+ को कोई और ही खा जाए, AU ना खा पाए, क्योंकि हम उसमें कुछ कोलाइड डाल दिए जिसके कारण Na+ उसके पास चला गया, तो अब AU नहीं खा पाया Na+ को, और AU अगर Na+ को नहीं खा पाया तो AU कोगुलेट नहीं किया, ठीक है। तो यही गोल्ड नंबर होता है कि इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ लायोफिलिक कोलाइड। अब बाकी जो फैक्ट बेस्ड न्यूमेरिकल है वो सब कुछ होगा, वो सब तो हो जाएगा अगर तुम्हें डेफिनेशन याद है तो। मतलब यही है इसका कि अगर तुम्हें किसी को प्रिवेंट करना है कोगुलेशन से, किसी चीज़ को प्रिवेंट करना है, किसी को गोल्ड को अगर प्रिवेंट करना है कोगुलेशन से, और कोगुलेशन किस कारण होना है क्योंकि NaCl है, तो NaCl को कहीं और कंज्यूम करा दो, और कहीं और क्या है वो लायोफिलिक कोलाइड है, ठीक है। तो अब पूछा है कि गोल्ड नंबर ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड्स ए बी सी डी, ये इसी कोलाइड्स को लायोफिलिक कोलाइड जो कि प्रिवेंट करते हैं कोगुलेशन से, उसको हम प्रोटेक्टिव कोलाइड्स भी कहते हैं, ठीक है। तो यानी कि हमने लायोफिलिक कोलाइड डाला गोल्ड में, अब बोला है कि किसका गोल्ड नंबर का ऑर्डर कैसा होगा, किस गोल्ड नंबर मतलब किस इन सारे कोलाइड्स में से किसका गोल्ड नंबर का ऑर्डर क्या होगा। तो मतलब सोचो कि हम ए बी सी डी चार कोलाइड डालें,
इन ऑर्डर टू प्रिवेंट गोल्ड फ्रॉम बीइंग कोगुलेटेड, ठीक है, गोल्ड को हम कोगुलेट ना हो इसके कारण हमने चार क्लोराइड डाले। अच्छा, तो जो सबसे कम डाला होगा, अगर वो सबसे कम डाल के बचा लिया गोल्ड को, तो मतलब वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो सबसे कम कौन सा है? 0.005। तो यानी कि उसकी प्रोटेक्टिव पावर सबसे ज्यादा होगी, सिंपल सी कहानी है। तो अब सोचो उसमें क्या होगा, अगर उसकी प्रोडक्टिव पावर सबसे ज्यादा होगी तो इस सब में से सबसे कम किसका है? डी, यानी कि 0.005 का है, तो उसकी सबसे कम होगी। उसके बाद किसका है? बी का है। उसके बाद किसका है? सी का है। उसके बाद किसका है? ए का है, ठीक है। 0.005, फिर 0.01, फिर 0.1, फिर 0.5। तो आंसर इज सी, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो गोल्ड नंबर इतना ही होता है, बहुत सिंपल सी चीज थी जो हमने भी पढ़ा गोल्ड नंबर के बारे में। इट इज जस्ट द मिनिमम अमाउंट ऑफ लाइफ इक्वलाइट टू बी पुट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द कोगुलेशन ऑफ गोल्ड, 10 नंबर पर छोड़ो नहीं यार, गोल्ड बाय NaCl सॉल्यूशन। बट तुम्हें अगेन डेटा याद रखना है ताकि तुम्हें गोल्ड नंबर एग्जैक्ट, किसी ने पूछ दिया तो निकाल पाओगे ना, डेटा का एग्जैक्ट गोल्ड नंबर नहीं बता पाओगे। हाँ, ये हाईलाइट की तो बता ही दोगे किसका ज्यादा है किसका कम है, ये तो बता दोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो आई गेस दिस इज करेक्ट, गोल्ड गोल्ड नंबर हमें समझ में आ गया होगा, आइडिया होगा। तो अब हम पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या दे रखा है, सबकी क्रिटिकल टेम्परेचर दे रखी है और पूछा है कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस अबव गिवन डेटा हमें प्रेडिक्ट करना है कि कौन सा विच हैव द लीस्ट एड्सॉर्प्शन और डेफिनेट अमाउंट ऑफ चार्कोल, कौन सबसे कम एब्जॉर्ब होगा। ये समझ में आ रहा है, जिसकी वेंडर वॉल फोर्स सबसे कम होगी, जो अट्रैक्ट सबसे कम होना चाहेगा वो सबसे कम एब्जॉर्ब होगा। तो यहाँ से मुझे अभी ऑप्शन देके मैं बोल सकता हूँ इस चीज़ को कि हाइड्रोजन की वेंडर वॉल फोर्स सबसे कम होता है, वो सबसे ज़्यादा इनर्ट होता है इन सब में। तो हाइड्रोजन की सबसे कम वैल्यू होगी एब्जॉर्प्शन की, चिपकने की जो अट्रैक्टिव पावर होगी वो सबसे कम होगी हाइड्रोजन की। इसलिए मैं यहाँ से बोल सकता हूँ सबसे कम जो होगा, जो एब्जॉर्ब होगा होगा वो हाइड्रोजन के केस में ही होगा, ठीक है। बट अगर तुम्हें ऐसे सॉल्व करके देखना है तो तुम याद रखो क्रिटिकल टेम्परेचर जो होता है वो होता है 8A/27RB। अब तुम सोचो A की जो वैल्यू होती है वो, अगर क्रिटिकल जो टेम्परेचर है वो सबसे कम किसका है? H2 का। यानी A की वैल्यू सबसे कम H2 ही कम होगी, यानी A ऑफ H2 सबसे कम होगा, ये लीस्ट होगा क्योंकि TC लीस्ट है इसका। तो अगर ए सबसे कम हो गया, यानी कि जो अट्रैक्शन होगा वो, ए तो अट्रैक्टिव फोर्स ही था ना, दिस वाज अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स कम हो गया तो इसका मतलब सबसे कम फिर वही जाएगा एब्जॉर्ब होने में। तो इसका आंसर विल बी डी, 11th का जो आंसर होगा वो होगा डी, ठीक है। तो ये डी, सो आई गेस, ठीक है। तो यहाँ समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन सबको यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो ये वही फ्रेडरिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म पे है, ठीक है। इसको अगर समझना है तो मैं थोड़ा सा तुम्हें फ्रेडरिच के बारे में आइडिया दे दूँ कि क्या वो बोला था, अगर किसी को याद हो कि फ्रेडरिच ने क्या बताया था। तो ऐसा था कि X/m जो था डेट वॉज इक्वल टू K×P^1/n। n जो आया था, n जो था इसमें वो एक्सपेरिमेंटल था, और 1/n की जो वैल्यू आती थी वो जनरली 1 से 0 के बीच में आती थी। दिस वॉज द वैल्यू ऑफ 1/n, बट मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ 1/n की 1/n ज़्यादातर जो हमने देखा था, मोस्ट प्रोबेबल अगर मैं देखूँ तो 1/n की वैल्यू जो होती है वो 0.1 से लेके 0.5 होता है, 0.5 से 0.5 इतने तक के बीच में ही आता है, ठीक है। बट एनीवेज हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हम अगर इस इक्वेशन भी हमें अगर पता है तो इस इक्वेशन में बस लॉग लगा दो तो ये क्या होगा, लॉग ऑफ X/m इज इक्वल टू लॉग ऑफ K+1/n लॉग ऑफ P, ये होगा, ठीक है। तो इस वाले पूरे इक्वेशन को अगर यहाँ पे लॉग लगा दिया बस, तो लॉग ए इंटू बी हो जाएगा ना, लॉग ए प्लस लॉग बी, दोनों साइड लॉग लगा दोगे तो ये आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा कि लॉग X/m का ग्राफ लॉग पी के ग्राफ के साथ बनाया है, तो अगर इसको तुम वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हो, इसको तुम एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो ये इक्वेशन इज वाई इज इक्वल टू C+mxc तो है, वेयर सी इज लॉग ऑफ के, एम इज 1/n।
तो इसकी जो स्लोप है वो कितनी है, 1/n, ठीक है। तो अब यहाँ पे और x की वैल्यू जो है वो log p है x एक्सिस पे। अब इसके इस एक्सप्रेशन में अगर तुम स्लोप की वैल्यू निकालो, जैसे इसका हम स्लोप की वैल्यू निकालते हैं, तो इस ग्राफ से स्लोप की वैल्यू जो आ रही है दैट विल बी 2/3, ये हो रहा है स्लोप, तो ठीक है, दिस इज स्लोप। तो अगर इस ग्राफ से स्लोप की वैल्यू 2/3 आ रही है, तो बेटा समझ में आ रहा होगा आपको कि 1/n की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 2/3, ठीक है, क्योंकि स्लोप क्या था, 1/n, ये तो था स्लोप। अब 1/n की वैल्यू 2/3 आ गई, तो बस फिर तो खत्म है। यहाँ पे क्या होता है कि x अपॉन m जो होता है वो होता है k इंटू p रेस टू द पावर 1/n, तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, x अपॉन m जो होगा वो होगा k इंटू p रेस टू द पावर 2/3। ये तो है x बाई m इज प्रोपोर्शनल टू, ये पूछा है x बाई m किसके प्रोपोर्शनल है, तो x बाई m जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा p रेस टू द पावर 2/3 के, ठीक है। तो जो आंसर होगा हमारे पास वो होगा a। मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ क्या था कि ये हमने देखा था फ्रेंडशिप में, ये होता है x बाई m जो प्रोपोर्शनल होता है वो k टाइम्स p टू द पावर 1/n होता है। 1/n की मोस्ट प्रोबेबल और मोस्ट जो प्रोबेबल वैल्यू दी होती है वो ये होती है, ये एनीवेज बस याद कर लो, ऐसा इतना ही तुम्हें मिलेगा जनरली, 2/3 भी इसी कुछ रेंज में आके लाई करेगा। अब क्या बोला इन्होंने कि हमने ग्राफ जो बनाया वो log x by m और log p बनाया, तो मुझे इस एक्सप्रेशन समझ में आ रहा है कि दोनों साइड log लिया होगा तभी ये ग्राफ आया, ये एक्सप्रेशन आया होगा। इसमें जब तुम log लोगे, इस एक्सप्रेशन में जब log लोगे तो ये एक्सप्रेशन बन के आएगा। अब जब ये एक्सप्रेशन बन के आया तो इसमें log x by m क्योंकि y एक्सिस पे है और log p क्योंकि x एक्सिस पे है, तो x by m को हमने y बोल दिया, log p को हमने x बोल दिया, तो y इक्वल टू x प्लस c का ग्राफ बन गया, विच इज स्ट्रेट लाइन दिख भी रहा है। अब इसमें m की वैल्यू क्या आई, 1/n, और m की वैल्यू क्या होती है, स्लोप होती है, तुम्हें पता है स्लोप यहाँ से निकाला 2/3 आया ग्राफ से, यानी 1/n की वैल्यू 2/3 आ गई। तो तुमसे पूछा था कि x अपॉन m किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो p टू द पावर 1/n, 1/n 2/3, सो p टू द पावर 2/3, आंसर इज ए। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, 12th। ओके, इसके अलावा आई गेस ये समझ में आ रहा होगा सबको, ठीक है, कि कैसे ये क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट इज प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स फ्रॉम क्रिस्टलॉइड्स डायमेंशंस थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नोन एज, ठीक है। अब एक चीज देखो, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स पार्टिकल्स फ्रॉम क्रिस्टलॉइड डायमेंशन, क्रिस्टलॉइड को हम एक्चुअली ट्रू सॉल्यूशन क्रिस्टलॉइड कहते हैं, क्रिस्टलॉइड्स आर नथिंग बट ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन समझ में आता होगा, जो पानी में अच्छे से डिजॉल्व हो जाता है या किसी सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है द प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स फ्रॉम क्रिस्टलॉइड डायमेंशंस थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नोन एज। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से अगर हम उसको किसी चीज को प्यूरिफाई कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है बेसिकली यहाँ पे कि कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स को एक मेम्ब्रेन है जो कि कोलाइडल पार्टिकल्स और ट्रू सॉल्यूशन को डिफ्रेंशिएट कर रहा है, यानी कि एक डब्बे में कोलाइडल पार्टिकल भी है और ट्रू सॉल्यूशन भी है। इसमें से अगर हम ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन निकाल लगा दें तो ऐसा कुछ बन जाएगा कि सेमी मेम्ब्रेन के पास सिर्फ ट्रू सॉल्यूशन आएगा, इधर सिर्फ कोलाइडल बन जाएगा। तो इसमें था कोलाइड प्लस क्रिस्टलॉइड, अब यहाँ पे बचेगा कोलोइड और इधर बचेगा क्रिस्टलॉइड, बस, ठीक है। तो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, दिस इज SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, एक कोई मेम्ब्रेन लगा दो जिसके कारण हम कोलाइडल पार्टिकल और ट्रू सॉल्यूशन के मिक्सचर को हमने अलग कर लिया, कोलाइडल अलग कर लिया, ट्रू सॉल्यूशन अलग कर लिया, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डायलिसिस। इसीलिए याद है मैंने पिछले क्वेश्चन में एक बार डायलिसिस हमने देखा था, इस क्वेश्चन में जो मैंने कहा था हम आगे पढ़ेंगे, मैं तो बताऊँ परसिस्टेंट डायलिसिस, ये ठीक है, मैं आता हूँ इस पर, परसिस्टेंट डायलिसिस, ये हमने पढ़ा था कब, कि कोगुलेशन कैसे कराएंगे, कोगुलेशन कैसे करा सकते हैं, उसके लिए परसिस्टेंट डायलिसिस करते हैं, मैं आता हूँ उसमें। अभी अभी हम जो देख रहे हैं वो हम ये देख रहे हैं कि डायलिसिस से कोलाइड्स और कोलाइडल और सॉल्यूशन को अलग, कोलाइडल और ट्रू सॉल्यूशन को अलग अलग कर सकते हैं, अभी हमें सिर्फ इतना पता है, ठीक है।
अच्छा एक बार हम देखते हैं कि ये बेसिकली प्यूरिफिकेशन ही हुआ ना, अगर कोलाइडल और कोलाइडल सॉल्यूशन तुम्हारे पास और तुम्हारे पास ट्रू सॉल्यूशन है, दोनों का मिक्सचर है, तुमने उसको अलग कर लिया तो बेसिकली तुम कोलाइडल को अलग कर लिया, ये प्यूरिफिकेशन का एक तरीका है। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं प्यूरिफिकेशन के कौन कौन से तरीके होते हैं। ठीक है, ये इसमें सारे दे रखे हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन दे रखा है, तो मैं देखता हूँ कि प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन क्या क्या तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका होता है डायलिसिस। डायलिसिस में हम क्या करते हैं, मैंने कहा था प्यूरिफिकेशन क्या करते हैं, यूज SPM सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो वी यूज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फॉर डायलिसिस। एक डायलिसिस मैं डेफिनेशन पढ़ के बताता हूँ, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अ डिजॉल्व सब्सटेंस, डिजॉल्व सब्सटेंस मतलब क्रिस्टलाइट मतलब ट्रू सॉल्यूशन फ्रॉम अ कोलाइडल सॉल्यूशन बाय मींस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू अ सूटेबल मेम्ब्रेन, एंड दैट सूटेबल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो हमने और उसको डायलाइजर कहते हैं, मतलब जो ऑपरेटर्स यूज करते हैं काम करने के उसको हम डायलाइजर कहते हैं। तो क्या होता है कि हमने जैसे इसको इस फोटो में बना हुआ है कि हमने क्या किया कि ट्रू सॉल्यूशन को यानी क्रिस्टलाइट को हमने कोलाइड से अलग कर लिया थ्रू अ मेम्ब्रेन। तो ये मेम्ब्रेन बना के डब्बा जो बना हुआ है यहाँ पे, दिस इज मेम्ब्रेन, ये डब्बा जो है मेम्ब्रेन का है। अब इसके अंदर दोनों चीज था, अब अलग हो गया, बाहर निकल आया सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टलाइट यानी कि सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन, अंदर बच गया क्या कोलाइडल पार्टिकल्स। दिस प्रोसेस इज डायलिसिस। ठीक है, अच्छा अब हमने कहा था परसिस्टेंट डायलिसिस करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, उस चीज पे चलो चलो अभी देख लेते हैं डायलिसिस, अगर देख ही लिया हमने तो डायलिसिस से क्या होता है कि तुम जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो निकल जाते हैं, क्योंकि सॉल्यूट जो जनरली जो डिजोल्व होता है, जो भी चीज डिजोल्व होता है वो आयंस में डिसोसिएट होकर डिजोल्व होता है। तो अब तुम ये सोचो कि तुमने पानी डाला और डायलिसिस किया, पानी डाला डायलिसिस किया, तो आयन जो है वो निकलते जा रहे हैं निकलते जा रहे हैं निकलते जा रहे हैं। तो एक बार किया तो ठीक है निकल गया और जो सॉल्यूशन जो ट्रू सॉल्यूशन है वो निकल गया, कोलाइडल बच गया। बट अगर तुम बार बार करोगे तो कोलाइडल सॉल्यूशन को भी कोलाइड रहने के लिए अंदर चार्ज पार्टिकल चाहिए होता है, जो चार्ज पार्टिकल उसको सराउंड करके रखते हैं। अगर चार्ज पार्टिकल सराउंड करके नहीं रखे तो वो नहीं होगा, कोगुलेट कर जाएगा, जैसे हमने कहा था। तो अगर हमने इस पूरे सिस्टम में लेटर से हमने बार बार डायलिसिस करते गए तो सारे चार्ज पार्टिकल निकलते जाए, एक टाइम आएगा जब पूरे चार्ज पार्टिकल निकल जाएंगे, और जब सारे चार्ज पार्टिकल निकल जाएंगे तो फिर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वो पार्टिकल्स बचेंगे, वो एक बार साथ कोगुलेट करके प्रेसिपिटेट के नीचे आ जाएंगे, फिर कोलाइडल सॉल्यूशन बचेगा ही नहीं। तो इसीलिए ये तरीका था, परसिस्टेंट डायलिसिस वॉज अ वे टू कोगुलेट, कोगुलेट करने का तरीका में परसिस्टेंट डायलिसिस था कि अगर हम बार बार करेंगे ट्रेसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन द सोल आर रिमूव्ड, यानी कि ट्रेस यानी कि थोड़ा थोड़ा जो थोड़ा सा भी जो इलेक्ट्रोलाइट था उसको भी निकाल दिया परसिस्टेंट डायलिसिस करते गए डायलिसिस और थोड़ा थोड़ा जितना भी चार्ज पार्टिकल सबको निकाल दिया, रिमूव्ड ऑलमोस्ट कंप्लीटली, देखो लिखा है। तो फिर कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होगा, अल्टीमेट कोगुलेट कर जाएगा और फिर वो परसिस्टेंट के नीचे आ जाएगा ग्रेविटी कारण। ठीक है, तो यही चीज था परसिस्टेंट डायलिसिस जो मैं बता रहा था। तो अभी तो डायलिसिस देखा हमने, डायलिसिस से हमने क्या सीखा कि डायलिसिस से हम प्यूरिफाई कर सकते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन और ट्रू सॉल्यूशन को अलग कर सकते हैं, बट परसिस्टेंट डायलिसिस से हम फिर कोलाइड को प्रेसिपिटेट में भी बना सकते हैं, कोगुलेट भी करा सकते हैं। ठीक है, दिस इज थ्रू परसिस्टेंट डायलिसिस। अब इलेक्ट्रोडायलिसिस क्या होता है, तो इलेक्ट्रोडायलिसिस कुछ नहीं होता कि इसी चीज को फास्ट करने के लिए, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत स्लो होता है कि अपने से बार बार निकल रहा है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू अगर सॉल्वेंट निकल रहा है तो प्रोसेस स्लो होता है। सॉल्वेंट में मैंने कहा था चार्ज पार्टिकल ही होते हैं, सॉरी सॉल्यूट में, सॉल्यूट अगर निकलते जा रहा है जो ट्रू सॉल्यूशन है वो निकल रहा है, क्रिस्टलॉइड जो है वो बाहर निकल रहा है, तो वो जो ट्रू सॉल्यूशन है वो क्यों सॉल्यूशन में है, क्योंकि वो आयंस में टूट गया होगा तभी वो पानी में डिसॉल्व हो गया। तो अगर हम एक चार्ज पार्टिकल लगा दे, एनोड लगा दे, कैथोड लगा दे, तो जो भी ट्रू सॉल्यूशन होगा अंदर, जो भी चार्ज पार्टिकल होगा, तुम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो बाहर निकाल रहे हो वो चार्ज पार्टिकल को ही तो निकाल रहे हो, उसी को तो हम बाहर निकाल रहे हैं। अब अगर हमने इसी चीज में ज्यादा पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज बाहर क्रिएट करके रख दिया तो अंदर से जो चार्ज पार्टिकल वो बाहर निकल आएगा। पहले ये समझ में आ रहा है कि चार्ज पार्टिकल को ही हमें बाहर निकालना है, चार्ज पार्टिकल को बाहर क्यों निकालना है, क्योंकि हम उसमें डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं क्रिस्टलाइट और सोल पार्टिकल में, क्रिस्टलाइट और सोल पार्टिकल में हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। क्रिस्टलाइट जनरली चार्ज पार्टिकल ही होते हैं, तो उसको अलग करने के लिए अगर हमने चार्ज पार्टिकल बाहर लगा दिया तो अपने आप खींचा चला जाएगा, अगर निगेटिव है अंदर तो पॉजिटिव तरफ खींचा चला जाएगा, पॉजिटिव अंदर तो निगेटिव तरफ खींचा चला जाएगा, सारे चार्ज पार्टिकल निकल के बाहर आ जाएंगे। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी लगा हुआ है और चार्ज भी लगा दिया तो सारे चार्ज पार्टिकल उधर चले गए, और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा हुआ है तो सोल पार्टिकल नहीं निकल पा रहे हैं, तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो इसी इलेक्ट्रोडायलिसिस बस जल्दी करने के लिए होता है, डायलिसिस का ही काम है, बस इसमें एक इलेक्ट्रो जोड़ दिया, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जोड़ दिया, दिस इज इलेक्ट्रोडायलिसिस, दिस इज वेरी सिंपल।
ठीक है। तो ये दो तरीका तो हमने देख लिया, डायलिसिस और इलेक्ट्रोलाइसिस। एक और तरीका होता है बेटा, आखिरी तरीका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसमें कुछ नहीं होता, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द क्लोराइड पार्टिकल्स फ्रॉम द सॉल्वेंट एंड सॉलिड प्रेजेंट इन द क्लोराइड सॉल्यूशन बाय स्पेशली प्रिपेयर्ड फिल्टर्स विच आर परमिबल टू ऑल सब्सटेंसेस एक्सेप्ट क्लोराइड पार्टिकल्स। सिंपल है, मतलब अलग अलग तरीके का हम, जैसे कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ही था वो भी थोड़ा फिल्टर्ड वाला तरीका ही था, बट इसमें हम कुछ एक्स्ट्रा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन लगा के हमने कुछ एक नया तरीके का फिल्टर बनाया, जिस फिल्टर के थ्रू जो पास होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्लोराइड सॉल्यूशन को रखता है, बाकी सबको पास कर देता है। तो वो बहुत ईजी तरीका है, थोड़ा थोड़ा सब कुछ निकल जाता है, कुछ नहीं बचता, सिर्फ क्लोराइड सॉल्यूशन बच जाता है। ठीक है, तो ये जो तीन तरीके हैं बेटा, ये हमें अच्छे से पढ़ के रखने हैं हमें अपने पास। ठीक है, ये तीन तरीके हमें नहीं भूलना है। ठीक है, इसको बहुत ढंग से अच्छे से रखना है कि हम किस तरीके से क्लोराइड सॉल्यूशन को प्योरीफाई कर सकते हैं। ये बहुत बार क्यों एग्जाम में आया है, मैं इसलिए इतनी बार बोल रहा हूँ। ठीक है, तो हमने अगर किसी ने ध्यान से पढ़ा हो पूरे लेक्चर को आज के, तो हमने जो आज के पूरे लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पहले एडसॉर्प्शन देखा है, फिर हमने फिजोर्प्शन देखा, हमने केमिसॉर्प्शन देखा, फिर हमने ये फिल्ड्रिच लॉ देखा, ठीक है, जिसमें कि हमने अभी क्वेश्चन किया था एक्स अपॉन एम वाला। फिर हमने कोलाइडल सॉल्यूशन को बनाया, कैसे बनाते हैं। फिर हमने कोगुलेट करने का देखा, कैसे कोगुलेट कराते हैं। फिर हमने ये भी देखा कि कैसे प्यूरीफाई कराते हैं, मतलब हमने बहुत कुछ देखा है इस क्लास में अगर ध्यान दो तो। ठीक है, तो हमने प्यूरिफिकेशन भी देखा। अगर मैं एक चीज़ लिख दूँ यहाँ पे क्या क्या देखा है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर हमने आज की क्लास में क्या क्या देखा, आखिरी पन्ने पे लिखता हूँ तो शायद मैं उससे पहले हमने देखा था एडसॉर्प्शन क्या होता है, ठीक है बेटा, उसके बाद देखा था फिजोर्प्शन क्या होता है, केमिसॉर्प्शन क्या होता है, ठीक है, ये दो चीज़ देखा। उसके बाद हमने दो न्यूमेरिकल किए एडसॉर्प्शन पे, कि चारकोल वाले क्वेश्चन किए, चारकोल क्वेश्चन इस पर न्यूमेरिकल किए। फिर हमने देखा था वो वाली चीज़ की डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है, इससे अगर डेल्टा एस नेगेटिव होता है तो ये नेगेटिव होना पड़ता है क्योंकि ये नेगेटिव होता है, ये वाला चीज़ भी देखा है क्वेश्चन में। फिर हमने देखा कि क्या कहते हैं कि अगर टाइप्स ऑफ सोल कैसे बनते हैं, कि एरोसोल वाला एक क्वेश्चन था, उसमें हमने देखा सॉलिड को मिलाते हैं तो क्या बनता है, लिक्विड को मिलाते हैं तो क्या बनता है, एरोसोल लिक्विड टाइप्स का भी, सॉलिड टाइप का भी, सबका एरोसोल देखा था। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि प्रिपेयर कैसे करते हैं, प्रिपेयर ऑफ कोलाइड सॉल्यूशन को बनाते कैसे हैं। ठीक है, फिर हमने उसका देखा था कि कोगुलेशन कैसे कराते हैं। ठीक है, कोगुलेशन के बाद हमने देखा कि गोल्ड नंबर क्या होता है, ये भी देखा। फिर हमने फ्रिज लॉ भी देखा था। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि प्योरीफिकेशन ऑफ कोलाइड्स कैसे करते हैं। तो हमने टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 कंसेप्ट सीखे हैं टोटल हमने आज। ठीक है, तो हमने कुल मिला के जितने भी क्वेश्चन करे, कुछ 13 क्वेश्चन करे, जिसमें हम टोटल 11 कंसेप्ट हमने सीखा है आज। इसमें पेप्टाइजेशन भी था, इलेक्ट्रोफोरेसिस भी था, पेप्टाइजेशन, इलेक्ट्रोफोरेसिस, डायलिसिस, सब कुछ देखा ये सब। ठीक है, अगर किसी को कोई क्वेश्चन, अगर तुमने क्लास में ढंग से ध्यान दिया हो तो हमने ये सब कुछ देखा है। ठीक है, एक क्रिटिकल टेम्परेचर, हाँ ये चीज़ मैं भूल गया था कि क्रिटिकल टेम्परेचर वाला चीज़ भी देखा, उस पर देखा कि ए का क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो हमने इतने कंसेप्ट आज क्लास में सीखा है। ठीक है, और ओवरऑल इतने ही कंसेप्ट हैं, थोड़े बहुत छोटे बहुत और एक दो कंसेप्ट हैं, बट वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट तुम्हें पढ़ना है सब कुछ, एनसीईआरटी में जो दिया वो सब कुछ पढ़ना है। ये सारी चीज़ें जो भी हमने अभी किया, ये तो तुम्हें करना है। ठीक है, तुम इन क्वेश्चंस को भी अगर तुम ढंग से पढ़ के एग्जाम में जाओगे ना बेटा, तो तुम्हारे सरफेस केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, आई गारंटी इट। ठीक है, तुम उसको अच्छे से पढ़ के जाओगे। ठीक है, और एनसीईआरटी अगर पढ़ लो तो पक्के से हो जाएगा। ठीक है, मतलब एनसीईआरटी पढ़ गया तो कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला तुम्हें, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा बस। ठीक है बेटा, सो दिस वॉज ऑल जो कि हमें देखना था आज की क्लास में। ठीक है, आई गेस तुम्हें समझ में आया होगा। ठीक है, एंड अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज़ यू फील फ्री टू आस्क डाउट्स। ठीक है, सो ओके, बाय बाय।